नुहू जिले के बिसरू गांव में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बिसरू गांव के रहने वाले सगे चाचा भतीजे की फरीदाबाद के छाइसा में केएमपी टोल प्लाजा के पास गाड़ी में आग लगने से मौत हो गई थी। मौत इतनी भयानक थी कि जिससे भी इस खबर को सुना उसकी रूह कांप गई। रूह कांपती भी क्यों ना, क्योंकि सगे चाचा भतीजे को गाड़ी में जिंदा जलने का वीडियो जिसने भी देखा वह बड़ा अफसोस करने लगा। मृतकों के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक बिसरू गांव का रहने वाला सोहरा पुत्र कुर्शीद उम्र 21 वर्षीय व उसका भतीजा मनीष उम्र 22 वर्षीय हालाबाद ककराला राजस्थान पिछले काफी दिनों से TLT गाड़ी चलाने का कार्य करते थे और वे अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। TLT गाड़ी में रोड़ियां लोड की जाती थीं। रोड़ियों को लेकर वह यूपी जाते थे। सोमवार की शाम को भी चाचा भतीजा DLT गाड़ी में रोड़ियां लोड कर यूपी जा रहे थे। उनके मन में अनेकों उम्मीदें होंगी कि वह भी वापस आकर अपने परिवार से मिलेंगे, लेकिन क्या पता था कि यह सफर उनके लिए आखिरी सफर होगा। वही गाड़ी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करते थे उनकी मौत का कारण बन गई। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। जी आरिफ, आरिफ ये सोहराब और मनीष क्या लगते हैं आपके? ये सौरभ तो मेरा छोटा भैया था अच्छा, और मनीष भतीजा लगता था। मनीष भतीजा लगता है। हाँ तो जी, कब हादसा हुआ है? दिन में हुआ है, रात में हुआ, कैसे? ये रात में हुआ है जी, कोई तकरीबन 1-1.5 बजे करीब। अच्छा, आपको सूचना सुबह मिली या रात में मिली थी? रात में ही मिल गई थी, 2:30-3 बजे करीब जी। तो आपने वहां जाकर देखा, कैसी हालत में डेड बॉडी मिली आपको? हमें जी वहाँ कुछ भी नहीं मिले, बस ओनली कंगाल मिला था उधर। जो बाकी कंगाल थोड़ी बहुत थी वह पुलिस वाले फरीदाबाद लेके गए थे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वहाँ से फिर हम सीधे छाई चले निकल गए। छाई चा वहाँ, कार्रवाई कर रही है इस मामले में, मुकदमा दर्ज किया है? हाँ, पुलिस वाले ने कार्रवाई करने के बाद में फिर वहाँ से डेड बॉडी लेकर आए हम अस्पताल से क्या चाहते हैं आप? जी। चाहते क्या इसमें कोई भी अपने कोई मदद हो जाए तो यही चाहते हैं जी। क्या नाम है बाबा? रहीम बकस। रहीम बकस। ये जो मरने वाले सोहराब और मनीष हैं, क्या लगते हैं आपके? ये भांजे लगते हैं। भांजा लगते हैं। हाँ जी, कैसे सूचना मिली कि वो गाड़ी में जल के राख हो गए हैं? सूचना ये जी, फोन आया था हमारे गांव में, बहुत लड़का चलाता है गाड़ी, उनको फोन आया हो ऐसे ऐसे गाड़ी मार लगी है और वह जल चुका, बस नहीं भाग दिए। कैसी हालत में मिले जब आप वहां गए थे? वह तो हड्डी पाई, हमने कुछ ना पाया, पूरा जल चुके थे। पूरा जल चुके, हड्डी भी बेनी है। इतनी बड़ा हादसा हुआ है, हाँ। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं जी, माँ की मदद होनी चाहिए और बहन भाई की मदद होनी चाहिए। गरीब आदमी है, कुछ नहीं है ना, कोई जमीन ना जोड़ी नहीं, मजदूरी करते हैं और खाते हैं। पंचायत की जगह में रह गए, कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, पंचायत ही है। क्या नाम है आपका? आजाद। आजाद, गांव कौन सा है? बिसरू। आजाद जी, ये चाबी किस तरीके से सीखना? डेलते गाड़ी थी जी, गिट्टी वाली, और छाई से कटे यहाँ पे नवेड़ा से फरीदाबाद में, वहां पे अनबैलेंस होके एक्सीडेंट हुई है। तो इसमें हम तो यही चाहते हैं सरकार से, अगर हम गरीब आदमी सब, क्या हमें क्या नाम है, कितनी उम्र है मरने वालों की? सौराव एक का नाम तो सर, और किस साल, और एक का नाम मनीष है सर। अच्छा, क्या लगते हैं आपस में ये दोनों? ये चाचा भतीजा लगते हैं चाचा सर भतीजे। जी, कैसे सूचना मिली आप लोगों को कि वो जल के था? हमारे गांव के यहाँ पे ड्राइवर बहुत गाड़ी चलाते हैं सर, उन लोगों ने फोन करके सूचना करी हमारे लिए, तो हम यहाँ से तुरंत वहाँ पे पहुंचे हैं। तो वहाँ पे और सेठ की भी कॉल आ गई थी, भाई ऐसा हो गया, आप सेठ हमने वहां पे ही मिला था खड़ा हुआ, आप आ जाइए, ऐसा हो गया भाई। और सेठ जो अच्छा आदमी था बेचारा, उसने जो भी है उसने हेल्प हमारी पूरी करी है, और फिर भी वो बोल रहा है कि मैं जो भी है मैं आपके सहयोग में हूँ, जैसा भी आप मेरे से हेल्प चाहो मैं तैयार हूँ। कब से गाड़ी चला रहे थे? ये 6-7 साल से गाड़ी चलाते हैं सर। और ये परिवार मेन जिम्मेदारी यही था, परिवार को यही चला रहे थे। जो ये दो भाई हैं ये बेलदारी करते हैं साहब, कोई मिल जाती है तो बेलदारी,
लग जाए तो ठीक है, नहीं तो मेन कारण वो ये फैमिली को वही चला रहा था जो अच्छे से करते हैं सरकार से। वैसे ये सरकार से ये एक लड़की रह रही है बगैर शादी के, और इनकी शादी हो जाए जो सरकार को सहायता कर दे तो जी बस यही है जी हमारे को। मुकदमा कर लिया सर, मुकदमा दर्ज कर लिया जी छाई थाने में।